आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश को अब नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल चुका है। जनरल अनिल चौहान ने आज देश के CDS के पद पर अपना पदभार संभाल लिया है। जनरल अनिल चौहान जनरल बिपिन रावत की जगह देश के दूसरे CDS बने हैं। अनिल चौहान देश के पहले रिटायर्ड 3-स्टार रैंक के मिलिट्री ऑफिसर हैं, जिन्होंने 4-स्टार रैंक के अधिकारी के तौर पर अपनी वापसी की है। पदभार ग्रहण करने से पहले जनरल अनिल चौहान नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देश के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। जनरल अनिल चौहान अपने पिता सुरेंद्र सिंह चौहान के साथ वॉर मेमोरियल पहुंचे थे। इसके बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने जनरल अनिल चौहान को साझा गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अनिल चौहान ने पदभार ग्रहण किया। वहीं देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि भारतीय सेनाओं के प्रमुख पद पर वो कार्यभार संभाल रहे हैं। भारत सरकार और तीनों सेनाओं की आशाओं को पूरी करने की पूरी बड़ी और कई मुश्किल चुनौतियां उनके सामने हैं, जिसे वो दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की जो आशाएं और उपेक्षाएं भारत के तीनों सेनाओं को या सरकार की या हमारे देशवासियों की है, मैं उन्हें पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगा। हमारे सामने सुरक्षा संबंधी जो भी चुनौतियां हैं और मुश्किलें हैं, हम उसे मिलकर साझा रूप से दूर करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद। एक बहुत बड़े शब्द का इस्तेमाल किया है जनरल अनिल चौहान ने, चुनौतियां। इन चुनौतियों के बारे में पूरा विश्लेषण हम आपके सामने करेंगे और बताएंगे कि आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सामने भारत में क्या क्या चुनौतियां हैं और उसका रास्ता क्या निकलता दिखाई देगा। पदभार ग्रहण करने के बाद CDS जनरल अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों के बीच सुरक्षा नीतियों समेत देश के कई मौजूदा हालात पर चर्चा भी हुई। अनिल चौहान के CDS नियुक्त होते ही उत्तराखंड में भी लोगों को एक बार फिर से खुशी मनाने का मौका मिल गया है। याद कीजिए, जनरल बिपिन रावत भी उत्तराखंड से ही थे। इसे आप इत्तेफाक कह सकते हैं या एक स्वीट कोइंसिडेंस कि देश को 2 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी तक मिले हैं और दोनों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उत्तराखंड से हैं। दरअसल देवभूमि से ये दोनों जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, आसपास के गाँव से ही आते हैं और ये इतने प्रमुख रक्षा स्थल पर अपने आप को खड़ा कर पाना शायद इस इलाके की खूबी है। ये बताता है कि आज हमारे पहाड़ी क्षेत्र को, जो आमतौर पर हम विकास की दौड़ में पीछे पाते हैं, वहाँ कितने शूरवीर जवान जन्म लेते हैं। CDS अनिल चौहान के परिजनों ने लड्डू बांटे हैं, खुशी का अपना इजहार किया है और उनके गाँव के लोग ढोल और नगाड़ों के साथ अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं। अनिल चौहान जी जो आज CDS पद पर कार्यरत हैं, वो मेरे ताऊ जी लगते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आज बहुत खुशी का दिन है सबके लिए, पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए बहुत गर्व का दिन है कि एक इतने छोटे से गांव से मतलब इतने बड़े पद पर वो पहुँचे हैं। बहुत खुशी हो रही साहब हमको। क्या कुछ यादें हैं या जब यहाँ आए होंगे, कब यहाँ पहुँचे? आज से 5-7 साल पहले आए थे वो, बीच में फिर हमारे चाचा जी आए थे, उनके पिताजी, और हमारा एक ही परिवार है अभी तक। भाई हमारे ताऊ चाचाओं का अभी बंटवारा नहीं हुआ घर का, अभी हमारे मतलब एक जॉइंट फैमिली है कि नहीं? बाकी बहुत बढ़िया खुशी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो पूरे परिवार में खुशी की लहर है। एक छोटी सी जगह से, एक छोटे से गांव से निकलकर एक व्यक्ति अपने आप को पूरे देश में न सिर्फ स्थापित करता है बल्कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के गणमान्य पद पर उसकी गरिमा को भी बढ़ाता है, उसे सुशोभित करता है। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल अनिल चौहान के सामने जो चुनौतियां हैं उसके बारे में चर्चा करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नीति पर काफी प्रभावशाली रहेगी। तो जो चुनौतियां हैं वो क्या है, किस तरह से इन चुनौतियों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी चुनौती आज है थिएटर कमांड सिस्टम को पूरे एक तरीके से स्थापित करना। थिएटर कमांड सिस्टम का मतलब ये है कि
कि हम इंटीग्रेटेड वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, जहां पर सेना के तीनों अंगों, थल सेना, वायु सेना और नौसेना को मिलाकर इंटेलिजेंस के साथ साथ एक पूरा थिएटर कमांड सिस्टम तैयार किया जाता है, जहां पर एक प्रमुख के मातहत ये सेना के तीनों अंग काम करते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि कैसे समन्वय बैठाया जा सके और कैसे दुश्मन के आने से पहले तमाम चीजों को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ जो नई चुनौती आज भारत के सामने है वो है साइबर वॉरफेयर की। साइबर वॉरफेयर यानी कि डार्क वेब के साथ साथ कई अन्य तरीकों से जो हैकिंग की बात आती है और इंटरनेशनल स्पिनाज की बात बाहर निकल कर आती है, जो कि डिजिटल दुनिया का एक बहुत मौजूद सवाल है, साइबर वॉरफेयर जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है हिंदुस्तान के सामने। उसके बाद सेना के आधुनिकीकरण की चुनौती किसी भी थल सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुख के सामने होती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर होती है। अगर सेना की आधुनिकीकरण की जिम्मेदारियों को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पूरे तरीके से नहीं निभाया तो फिर दौड़ में भारतीय सेना पीछे रह जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पिछड़ते हुए दिखाई देंगे। फिर अगली बड़ी चुनौती आती है चीफ ऑफ डिफेंस के सामने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सामने, कि नए हथियारों को कैसे खरीदा जाए, क्या पैमाने होने चाहिए, खरीद की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और इसके साथ साथ कौन से बेहतर सैनिक साजो सामान और हथियार है और सलाह है जो कि भारतीय फौज को खरीदना चाहिए। इसके आधार पर ही तय हो पाता है कि आखिरकार भारतीय फौज अंतर्राष्ट्रीय किसी भी खतरे के मुकाबले अपने आप को कितनी बेहतर स्थिति में पाती है। इस पूरे परिवेक्ष में इस बात का ध्यान रखना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ भारत सरकार की प्राथमिकता है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और वो इसलिए क्योंकि जब हम सैनिक साजो सामान की खरीद के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाते हैं तो हमें राजस्व बड़े पैमाने पर खर्च करना पड़ता है, हमें डॉलर में समान चीजें खरीदनी पड़ती हैं। लेकिन अगर इसका निर्माण हम खुद हिंदुस्तान में करने लगे तो न सिर्फ हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं बल्कि दुनिया में एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर भी सामने आते हैं। इसके बारे में भी हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। और फिर सबसे बड़ी चुनौती जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सामने अभी होगी और वो होगी कि कैसे अगले पीढ़ी को तैयार करें ताकि आने वाली भविष्य की चुनौतियों के लिए अगली पीढ़ी के पास एक मजबूत जमीन हो और उस जमीन के आधार पर अगली पीढ़ी आगे बढ़ते हुए उस चुनौती को स्वीकार कर सके। बाहरी चुनौतियों की अगर हम बात करें तो आज भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं जिसका मुकाबला भारत को करना पड़ रहा है और ये टू फ्रंट वॉर की एक सबसे बड़ी चुनौती है। चीन और पाकिस्तान आज भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। एलएसी पर चीन का तनाव हालांकि अभी बढ़ा नहीं है, काफी घट गया है, लेकिन फिर भी भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है। गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके पर लगातार भारत ने अपनी सतर्कता बनाई हुई है। आज भी इस पूरे इलाके में 50 से 55 हजार भारतीय फौज डिप्लॉयड है। बड़े पैमाने पर यहां पर इनके इस्तेमाल के साथ साथ चीन के हर मुकाबले का लोहा लेने का मादा भारत रख रहा है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इस ठंडे प्रदेश में भारतीय फौज को डिप्लॉय करके रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, मैन पावर के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स और गैजेट्स की भी। फिर देखें तो पाकिस्तान की पैतरेबाजी एक ऐसा मसला है कि एक तरफ संभालिए, दूसरी तरफ पाकिस्तान कुछ नया करता हुआ दिखाई देता है। बॉर्डर पर नापाक हरकतों की लिस्ट इतनी लंबी है कि किसी भी सेना प्रमुख के लिए ये अपने आप में एक बहुत चुनौती ही नहीं है बल्कि चुनौती का विषय है। दो ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं भारत के सामने जिनका रिकॉर्ड रहा है कि वो हर मौके पर भारत के पीठ में खंजर भोंकने का काम करते हैं। इस मौके पर और इस मोर्चे पर सतर्क रहने की अतिरिक्त आवश्यकता बनती दिखाई देती है। जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे बड़ी चुनौती आज भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सामने यानी कि जनरल अनिल चौहान के सामने यह होगी कि कैसे सेना के तीनों अंगों, वायुसेना, नौसेना और थल सेना के अंगों को एक साथ मिलाकर तालमेल स्थापित करते हुए थिएटर्स बनाए जाए, वॉर थिएटर ग्रुप्स बनाए जाए। आज की डेट में थिएटर कमांड स्ट्रक्चर पूरे तरीके से सिर्फ अंडमान निकोबार में मौजूद है, लेकिन जो पूर्व CDS थे विपिन रावत, उन्होंने पद संभालते ही कहा था कि भविष्य में थिएटर कमांड स्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा और देश को 7 डिविजन्स में बांटा जाएगा और इन 7 डिविजन में अलग अलग थिएटर कमांड होंगे जो कि न सिर्फ वक्त रहते तमाम जवाब देंगे बल्कि किसी भी बाहरी स्थिति को निपटने के लिए अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। इसके साथ साथ जो तमाम अधूरा काम रह गया है
पूर्व CDS विपिन रावत के निधन के बाद से उस अधूरे काम को भी पूरा करना आज जनरल चौहान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। थिएटर कमांड एक संगठित कमांड है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ मिलकर काम करता है एक यूनिट की तरह। इस वक्त आर्मी के 7 कमांड है, एयरफोर्स की 7 कमांड है और नेवी की 3 कमांड है। इन सभी कमांड को मिलाकर पूरे तरीके से 4 थिएटर कमांड में तब्दील करना है जिसे आगे चलकर 7 थिएटर कमांड बनाने हैं। इन चारों थिएटर कमांड के कमांड चीफ और स्टाफ सब मिला जुलाकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करेंगे। हम आपको बता दें कि आखिरकार थिएटर कमांड स्ट्रक्चर क्यों भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में थिएटर कमांड स्ट्रक्चर एक न सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमिटी के तौर पर बल्कि भारतीय सेना की कार्यकुशलता को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें जो रणनीतियां बनती हैं इसके आधार पर युद्ध के क्षेत्र में फौज की तीनों अंगों को किस तरह से कहां, कब और कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया जाता है। इसके साथ साथ मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज भारत की सैन्य ताकत अपने आप में दुनिया में सबसे मजबूत मानी जा सकती है। चीन के बाद सबसे ज्यादा संख्या अगर सैनिकों की कही जाए तो आज भारत के पास है। 15 लाख सशक्त सैनिक आज भारत के पास मौजूद हैं। इन्हें संगठित कर एक थिएटर के तौर पर काम करना अपने आप में थिएटर कमांड की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप देखें तो तमाम विकसित देश, चाहे आप अमेरिका की बात करें, किसी भी यूरोपीय देश की बात करें, यहां तक कि चीन की बात करें, इन सभी देशों में थिएटर कमांड स्ट्रक्चर है। और भारत के सामने भी ये बड़ी चुनौती है कि जो अब तक एक थिएटर कमांड बना है बाकी 3 थिएटर कमांड को बहुत जल्द बनाना जरूरी है। इसके साथ साथ भारतीय फौज के सामने और पूरे रक्षा मंत्रालय के सामने एक बड़ी चुनौती है कि भारतीय रक्षा बजट को किस तरीके से न सिर्फ हल्का बनाया जाए यानी कि उसको बहुत ही रेलेवेंट बनाया जाए बल्कि उसमें कटौती करते हुए भारतीय फौज की आधुनिकीकरण की चुनौती को कैसे साधा जाए। इस लिहाज से जनरल चौहान को एक सीमित बजट में बहुत कुछ करते हुए दिखाई देना है। आपको अगर हम बजट का एक लेखा जोखा दें तो साल 2022-23 में भारतीय रक्षा बजट 5.2 लाख करोड़ का है। जी हाँ, 5.2 लाख करोड़ का है जो कि हमारे कुल GDP का तकरीबन 2.15% है। इस साल रक्षा बजट में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए नए हथियार और सैनिक साजो सामान और एवं आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार ने 1.52 लाख यानी कि 1.5 लाख करोड़ आवंटित किए हैं। यानी कि डिफेंस बजट लगातार बढ़ता चला जा रहा है और डिफेंस बजट का 68% हमने इस बात के लिए रखा है कि कैसे स्वदेशी हथियार को हम बढ़ावा दें और मेक इन इंडिया के इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चलें। इस साल के डिफेंस कैपिटल बजट का 68% स्वदेशी हथियारों के लिए आवंटित किया गया है। इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने तकरीबन 12,000 करोड़ की राशि अलग रखी है जिसमें 25% राशि स्टार्टअप के लिए, शिक्षण संस्थानों के लिए और प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन के लिए PPP प्रोजेक्ट के लिए रखी गई है। अगर आप साल 2022-23 के रक्षा बजट को देखें तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और उसके साथ साथ पेंशन के लिए भारत सरकार को तकरीबन 2.25 लाख से 2,30,000 करोड़ का बजट खर्च करना पड़ रहा है। इस पूरे स्कीम को अब थोड़ा रैशनलाइज करने की आवश्यकता है क्योंकि भारतीय सेना अपने सैनिकों और जवानों की वेतन और उसके साथ साथ पेंशन स्कीम पर बहुत पैसा खर्च करी है जो कि उसके बजट का लगभग आधा हिस्सा है। इसकी वजह से भारतीय सेना ने अग्निपथ स्कीम शुरू की है। गौर करने वाली बात यह है कि अग्निपथ स्कीम के साथ भारत में जो सैन्य बजट का बड़ा हिस्सा तनख्वाह में चला जाता है उसे काफी कुछ रैशनलाइज करने में बड़ी मदद मिलेगी। CDS पूर्व CDS जनरल विपिन रावत ने इस प्रोजेक्ट पर काफी बड़े पैमाने पर काम किया था और अब जनरल चौहान को जो मौजूदा CDS हैं उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इन तीनों सेना के विंगों के जो पर्सनल एक्सपेंडिचर हैं, जो HR कॉस्ट है जिसे हम कहते हैं, यानी कि सैनिकों की तनख्वाह और उसके साथ साथ पेंशन और स्कीम्स, उस पर कटौती करने के साथ साथ लीन और मीन मशीन बनाने की बात करनी पड़ेगी। यही बात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत लगातार करते रहे हैं कि भारतीय फौज को लीन एंड मीन मशीन बनाने की आवश्यकता है। सभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल्स पर काम करना पड़ेगा,
उसके साथ साथ भारत सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि भारत के जो तमाम टैंक स्ट्रक्चर्स हैं उस टैंक स्ट्रक्चर को 8 साल के भीतर बदलते हुए अपनी सुरक्षा को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो जनरल बिपिन रावत के अधूरे पड़े हैं, हमने आपको बताया। अब नए CDS अनिल चौहान के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि जो जनरल बिपिन रावत के अधूरे काम हैं उसे लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए। इसमें सबसे प्रमुख है कि ऊंची रैंक के अफसर बनने वाले बिपिन रावत और अनिल चौहान, हमने आपको बताया कि अफसरों की जो संख्या है उस संख्या को कैसे रैशनलाइज किया जा सकता है इस पर बात होनी है, और इसे लेकर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे थे जनरल बिपिन रावत, जो कि अब अधूरा रह गया है। जनरल चौहान पर यह एक बड़ी चुनौती होगी। अब इसके साथ साथ हम आपको एक बहुत रोचक तथ्य भी आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि 2 CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत को आज तक मिले हैं, जनरल बिपिन रावत और जनरल चौहान। क्या आप जानते हैं कि ये दोनों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उत्तराखंड के एक ही जिले से आते हैं, पौड़ी से, और इन दोनों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पैतृक निवास के बीच में जो दूरी है वो महज 80 किलोमीटर की है। यानी कि 80 किलोमीटर के एरिया के बीच में भारत को 2 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिले हैं जो कि पौड़ी जिले से आते हैं और आसपास के गांव से ही हैं। ये अपने आप में बताता है कि आज हमारे हिंदुस्तान का ये छोटा सा इलाका पौड़ी अपने आप में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय कैसे बन रहा है। 2 सालों से एशिया के 2 देशों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं आर्मेनिया और अजरबैजान की। आर्मेनिया ईसाई धर्म को मानता है जबकि अजरबैजान एक इस्लामिक देश है, और धर्म के आधार पर ही दुनिया की ये दोनों दोस्त जो कि पहले एक दूसरे के साथ खड़े होते थे अब दुश्मन से भी बदतर हो चुके हैं। साल 2020 में जब दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान और तुर्की ने खुलकर अजरबैजान की मदद की। एक छोटा सा प्रदेश आर्मेनिया हथियारों की कमी की वजह से लड़ाई के मोर्चे पर लगातार कमजोर पड़ता चला गया और अजरबैजान अपनी जीत को दस्तक करता देता गया और उसे दर्ज करता चला गया। लेकिन अब आर्मेनिया ने अजरबैजान को जवाब देने के लिए हथियार खरीदने का फैसला किया है और आर्मेनिया बड़े पैमाने पर भारत से हथियार खरीदने जा रहा है। पाकिस्तान और टर्की जैसे देश जो कि अजरबैजान के खेमे में दिखाई दे रहे हैं उसके मुकाबले में आर्मेनिया ने भारत के साथ हाथ मिलाते हुए भारत से मिसाइल, रॉकेट सिस्टम्स और गोरा बारूद खरीदने की एक बहुत बड़ी डील की है। इस डील में सबसे खास बात यह है कि पिनाका रॉकेट जो कि पिनाका लॉन्चिंग सिस्टम भारत का स्वनिर्मित रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे बड़े पैमाने पर आपने 1999 में करगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल्स पर इस्तेमाल होते हुए देखा था, जो कि दुनिया भर में अपनी एक मिसाल बनाकर रखे हुए है। आर्मेनिया ने अब इसको सौदा किया है। आर्मेनिया को पिनाका की खूबियां बहुत पसंद आ रही हैं और पिनाका के साथ होने से अब आर्मेनिया अजरबैजान के खिलाफ अपने मुहिम को और सैन्य ताकत को कहीं बेहतर तरीके से सामने रख पाएगा। पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम पाने वाला आर्मेनिया इस इलाके का पहला देश बनेगा जो कि भारत से इसे इंपोर्ट कर रहा है। हथियारों के बाजार में भारत अब एक बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर सामने है। पिनाका रॉकेट सिस्टम पूरी तरीके से स्वदेशी है। ये एक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है जिसे भारत के शोध संस्थान DRDO ने तैनात किया है और तैयार किया है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नॉर्गेन काराबाह इलाके में लड़ाई चल रही है। 2020 में 3 महीने तक भीषण युद्ध हुआ था, तब रूस के बीच बचाव के बाद लड़ाई जो कि आमने सामने की चल रही थी उसे रोकने में मदद मिली थी। लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले ही अजरबैजान के सैनिकों ने एक बार फिर आर्मेनिया पर हमला किया और 50 से ज्यादा आर्मेनियन सैनिकों के मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में आर्मेनिया ने अब खुद के बचाव के लिए भारत से रक्षा सौदे किए हैं जिसमें पिनाका का सौदा सबसे बड़ा सौदा माना जाता है। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि आर्मेनिया ने पिनाका को क्यों पसंद किया। दरअसल पिनाका रॉकेट सिस्टम अपने आप में एक बहुत ही मोबाइल और उसके साथ साथ एक्टिव और प्रोएक्टिव सिस्टम है। 280 किलो का वजन है पिनाका रॉकेट्स का इंडिविजुअली और ये 15 फीट लंबे रॉकेट्स होते हैं। 100 किलोग्राम तक के एम्यूनिशन को ये अपने साथ ले जाने में सक्षम होते हैं और इनकी रेंज 70 किलोमीटर की होती है। पिनाका की एक रॉकेट लॉन्चर बैटरी एक साथ 6 रॉकेट लॉन्च कर सकती है।
ये एक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, यानी कि इसमें आप पहले से अपने ट्रेजेक्टरी यानी कि जिस डेस्टिनेशन पर आप इसको हमला करना चाहते हैं वहां पर आप इसे कैसे हमला करें उसे प्री प्रोग्राम कर सकते हैं, और एक के बाद एक कुछ एक सेकंड के भीतर ये 6 के 6 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। इसलिए इन्हें गाइडेड मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। ये हवा में ही अपनी दिशा बदलने में सक्षम है, यानी कि आपको देखते समय लगेगा कि इनकी ट्रेजेक्ट्री किसी और जगह जा रही है, लेकिन बीच रास्ते में ये अपनी दिशा बदलते हुए अपने टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। दुश्मन के रेडार को पूरी तरीके से छकाने में पिनाका बहुत सक्षम पाया गया है, और भारत के द्वारा निर्मित ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अपने आप में एक अलहदा रॉकेट सिस्टम है। हाल ही में अपग्रेडेड वर्जन Mark 1 के तौर पर भी इसका सफल परीक्षण हुआ है। Mark 1 का मतलब आवाज की ध्वनि से भी ज्यादा तेज। आवाज की ध्वनि 980 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यानी कि 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर यह आपको पिनाका रॉकेट छोड़ते हुए दिखाई देंगे, जिसकी मारक रेंज 45 से बढ़कर 70 किलोमीटर हो गई है, और इसकी क्षमता बिल्कुल सटीक बताई जाती है। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल आर्मेनिया अज़रबैजान के खिलाफ करेगा, लेकिन इसके साथ साथ भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग करने वाले अज़रबैजान के लिए अब भारत एक दुश्मन देश के तौर पर होगा। और भारत के लिए ये एक इसलिए चुनौतीपूर्ण माहौल है क्योंकि अज़रबैजान और आर्मेनिया, इन दोनों देशों से भारत ने अपने संबंध हमेशा अच्छे रखे हैं। अज़रबैजान जब से उसने पाकिस्तान और तुर्की से अपने हथियारों की खरीद शुरू की है, उसने पाकिस्तान और तुर्की के इशारे पर कश्मीर के मसले पर भारत का विरोध शुरू कर दिया है और पाकिस्तान की भाषा बोलनी शुरू कर दी है। इसलिए अब भारत के सामने चुनौती ये है कि अज़रबैजान को किस तरीके से अपने पाले में किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि आर्मेनिया जो कि भारत से हथियार खरीद रहा है वो भारत के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन अब जबकि अज़रबैजान पाकिस्तान और उसके साथ साथ टर्की के साथ अपने आप को खड़ा पाएगा तो वो भारत के विरोध को आगे बढ़ाएगा। ऐसे में ये भारत के लिए और भारतीय कूटनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे अज़रबैजान को अपने पाले में किया जाए। आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच चल रही जंग के मैदान में भारत का पिनाका पहुंच चुका है, जैसा कि हमने आपको बताया। इस पे रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। डिफेंस प्रोडक्शन में हमारा एक नाम होता जा रहा है। USSR के विघटन के बाद अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी ऊपर आई, लेकिन अब भारत की जो डिफेंस प्रोडक्शन है या जो उसके इक्विपमेंट हैं उनकी मांग विश्व में काफ़ी बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आर्मेनिया को कुछ हथियार देने की वार्ताएं चल रही हैं। तो हमने आपको दिखाया किस तरह से भारत अब एक बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है आर्म्स बाजार का, और ये सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने ये भी होगी कि अज़रबैजान को किस तरीके से भारत अपने पाले में करेगा, क्योंकि आर्मेनिया को अब भारत सैन्य साजो सामान सौंप रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी एक चुनौती है। इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि भारत का डिफेंस का कारोबार कैसे बढ़ता चला जा रहा है। भारत अब इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इसके साथ साथ थाईलैंड और आर्मेनिया को हथियार बेच रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे भारत अब पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है।